वाणी संतों की वाणी हुजूर स्वामी जी महाराज के आषाढ़ मास पहला प्रथम आषाढ़ मास जग छाया आषाढ़ जीव गर्भ समाया प्रथम आषाढ़ मास जग छाया आषाढ़ जीव गर्भ समाया परम संत सदगुरु ये स्वामी जी महाराज जी की वाणी है। स्वामी जी महाराज आगरा में आप एक अच्छे पहुँचे हुए संत महात्मा हुए, इसीलिए उत्तर इंडिया में आषाढ़ मास से महीना चालू होता है, तो उन्होंने उसको पहला महीना करके बयान किया। तो आषाढ़ के ऊपर स्वामी जी 12 महीने के ऊपर वाणी लिखा है, तो आषाढ़ महीने से शुरू कर रहे हैं। तो कहते हैं कि आस आड़ ले जीव सिधाया, आस की आड़ लेकर के जीव उस भवसागर में पैदा होता है। जीव को पैदा दुनिया में आने का क्या कारण? आशा। कहते ना, जहां आशा तहां वासा। जीव वहीं पे पैदा होता है जहां उसकी आशा होती है, और लेकिन शरीर जो है उसके किए कराए कर्म के आधार पे मिलता है। देखो, संत महात्माओं ने कई तरह के उदाहरण भी दिए हैं। एक वृद्ध, हालांकि वो सत्संग में जाता था, उपदेश नहीं लिया था, और मरने के समय में बीमार था वो, मरने के समय बगल के घर में मांस पका रहे थे और उस वृद्ध को वहां उसका वास आ रहा था, सुगंध आ रहा था। तो उसके मन में मांस खाने की इच्छा हुई मरने के समय। अब मांस खाने की इच्छा लेके मरा, तो कहते अंतमता सोगता, जहां आशा तहां वासा। तो बाद में उसको एक सियार बोलते हैं उत्तर इंडिया में, बड़ा कोल्हा बोलते हैं सियार, बड़ा सियार जो कि भेड़ बकरी उठा के लेके जाते हैं, वो सियार का रूप जो शरीर मिला उसको, भेड़िया का उसको शरीर मिला, क्योंकि मांस खाने की आशा लेके मरने से। तो बाद में कहते हैं कि उसका लड़का सत्संगी बना, वो धीरे धीरे उम्र में आया, तो कभी उसका लड़का सत्संगी सत्संग से रात को 8 बजे सत्संग सुन के आने के समय ये रास्ते में जाता था कि मेरा लड़का है, इसको तो था मेरा लड़का है लेकिन उसको नहीं है, उसका तो चोला बदल गया। तो उस तो ये इंसान को नहीं है लेकिन जानवर को होता है, ये मेरा लड़का है, वो मिलने के भावना से सामने आता था, लेकिन वो लड़का डरता था कि ये भेड़िया सामने आता है कहीं काटे नहीं। जब रास्ते में एक दिन दो दिन तीन दिन इसी तरह से दिखाई दिया, तो एक दिन सत्संग के बाद में महाराज से वो लड़का विनती करता है, महाराज क्या बात है, 3 दिन से रास्ते में भेड़िया आके सामने रोज आता है, मुझे डर लगता है कि कहीं वो ऊपर हमला ना करे काटे नहीं। तो महाराज देख के कहते हैं कि बेटा वो कोई दूसरा नहीं, वो तुम्हारा बाप ही है। इसको बड़ा झटका लगा कि उन्होंने 2-4 दफा सत्संग भी सुना था हालांकि नाम नहीं लिया था। तो जब उसको भेड़िए का शरीर मिला तो हमारा क्या हालत। तो महाराज कहते नहीं, वो अंत समय में मरने के समय बगल के घर में मांस पका रहे थे और वो बास इसके घर में आ रहा था और कमरे में, और इसका भी मांस खाने की इच्छा हो गई मरने के समय। कहते अंत समय जो जान निकलने के समय में मांस खाने की इच्छा हुई और इसीलिए उसको उस शरीर में जाना पड़ा।
जिस शरीर में हमारी इच्छा पूरी हो जाती है, प्रकृति यानी माया ऐसे शरीर में भेज देती है, तो जो शरीर है वो कर्मानुसार मिलता है। लेकिन न्याय क्या है, जहां आशा तहां वासा। तो बाद में तो वो लड़का विनंती करता है कि महाराज फिर उसका उद्धार कैसे। तो उन्होंने प्रसाद दिया, बोला अच्छा ठीक है, जब वो रोज के जैसा सामने आ जाए तो वहां पत्थर पे रख के तो दूर हो जाना, हमारे लड़के ने रखा है बोल के वो प्रेम से खाएगा और उसका वो चोला छूट जाएगा, उसको फिर मानव शरीर मिलेगा और फिर वो संतों के शरण में आके उद्धार होगा। तो उसने ऐसा ही किया। तो जब चौथे दिन वो भेड़िया सामने आया तो प्रसाद एक पत्थर के ऊपर रख के दूर हो गया और भेड़िया ने देखा कि हमारे लड़के ने रखा है, वो प्रेम से खाया और उसका वो चोला छूट गया, फिर वो मानव शरीर का अधिकारी हो गया। तो वही कहते हैं कि भाई सत्संग सम तीर्थ नहीं कोई, जहां मन मंजन होई, सत्संग के समान कोई दूसरा बाहरी तीर्थ नहीं। सत्संग सुनने से भी हमारे कर्म करते हैं, मन निर्मल और पवित्र होता है, हमारे अंदर सद्गुरु के प्रति प्रेम और प्यार पैदा होता है। इसीलिए पहला जो संतों के जीवों को सुधारने का जरिया सत्संग है। तो इसीलिए सत्संग बहुत जरूरी है रोज रोज। तो इसीलिए कृपाल सिंह महाराज भी सत्संग में कहा करते थे, सौ काम छोड़ सत्संग में जाओ, हजार काम छोड़ भजन में बैठो, क्योंकि ये दो अपना सच्चा काम है, बाकी जो रात दिन हम कर रहे हैं सब पराया काम है। कुटुंब परिवार का पालन पोषण, खेती गृहस्थी, नौकरी धंधा, व्यापार बिजनेस सब पराया काम है। अपना काम क्या है, अपनी आत्मा का उद्धार, जिस काम के लिए परमात्मा ने हमें ऐसा सुंदर समय दिया है। तो इसीलिए कहते हैं सौ काम छोड़ सत्संग में जाओ। अगर सत्संग के समय में सैकड़ों काम भी पड़े हैं छोड़ दो, जाके सत्संग बैठो। काम तो आज तक दुनिया में कोई काम पूरा करके नहीं गया, जो गया सो अधूरा छोड़ के ही गया। कहते ना राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, कहें कबीर थिर ना रहे सपने जिम संसार। रावण जो कि बहुत तपस्वी था और बड़ा सूरवीर प्रतापी राजा था, विद्वान पंडित था, रावण जैसा विद्वान और पंडित उस जमाने में कोई नहीं था। चार वेद का टीकाकार पंडित था, कोई सामान नहीं था। तो एक बार जब वो राम ने उसको बाण मारा, गिर पड़ा मरने के समय, राम लक्ष्मण को कहते हैं कि हे लक्ष्मण अब हमें अयोध्या में जाना है, राज करना है, तो तुम जाओ और रावण से कुछ राजनीति सीख के आओ। तो लक्ष्मण कहते हैं महाराज वो हमारा शत्रु है, हमने उसे मारा है और शत्रु के पास राजनीति सीखने को जाए वो क्या बोलेगा। बोलते तुम ऐसा मत समझो, वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, वो बड़ा विद्वान है, पंडित है और एक राजनीतिज्ञ है, जाओ। भाई का बात मान के लक्ष्मण जाते हैं, अहंकार आ जाता है, हम क्षत्रिय हैं, हमने मारा है, अहंकार आ जाता है। तो जाके रावण के सिर की तरफ खड़ा होते हैं, पैर की तरफ खड़ा होना अपमान समझते हैं, सिर के पास खड़ा होते हैं, सिर के पास खड़ा होके और कहते हैं कि हमारे भाई ने भेजा है हमें कुछ राजनीति बताओ। रावण ने आंख उठा के भी नहीं देखा, क्यों, वो बड़ा पंडित था, ज्ञानी भी था, नहीं देखा। तो लक्ष्मण बड़े निराश भाव से वहां से लौट के आते हैं, रास्ते में सोचते हैं कि देखो भैया को मैंने कहा, वो हमारा शत्रु है और उसके पास भेज के हमारा अपमान कराए, उसने तो हमारे तरफ निगाह उठा के देखा भी नहीं, बोलना तो अलग है, मेरा अपमान किया।
तो बड़े दुखी दिल से आते हैं। तो बाद में आकर के राम को नमस्कार करके राम पूछते हैं, भाई क्या कहा? भैया मैंने पहले नहीं कहा, वो तो हमारा शत्रु है, और शत्रु क्या राजनीति बताएगा, उसको हम ही ने मारा है। तो बोलते अच्छा ठीक है, तुम कहां जाके खड़े हुए थे? बोलते हैं सिर की तरफ। बोलते हैं गुरु के पास उपदेश को जाकर उसके सिर पे खड़ा होगे, उपदेश देगा? तुम रावण को क्या समझते हो? जाओ उनके पैरों को नमस्कार करके, हाथ लगा के नमस्कार करके पूछो, फिर देखो क्यों नहीं बोलता है। फिर लक्ष्मण लौट के आते, आके और रावण के चरण को स्पर्श करके नमस्कार करके, और फिर पूछते हैं कि हमारे भ्राता भाई साहब ने भेजा है और दया करके हमें कुछ राजनीति बताओ। तब रावण हंसता है, पैर को नमस्कार करके पूछने से रावण हंसता है, कहता ठीक है, अब आप हमारे शत्रु नहीं, हमारे शिष्य हो। जब हमारे से आप पूछते हो तो कुछ बोलना भी हमारा धर्म है, लेकिन आप लोग ने तो लेट कर दिया, देर कर दिया, अब मेरा श्वास निकलने का टाइम है, मैं क्या राजनीति बताऊं, थोड़ा पहले आ गए होते। तो कहता अच्छा ठीक है, मैं एक बात कहता हूं कि अयोध्या में जाकर के तुम क्या काम करना, जो काम कल करना वो आज कर लेना, जो आज करने की सोचना वो अभी कर लेना, पल में परले होएगी तो काल करेगा कब। श्वास का कोई भरोसा नहीं। बाहर गया हुआ सांस फिर अंदर आवे या ना। तो कहते भाई देखो यही हालत मेरी हो गई, मैंने तीन काम करने की सोची थी, वो भी मेरे से होने वाला था, परोपकार का काम, लेकिन कल करूंगा सोच के आज मेरी जाने की नौबत आ गई। तो बोलता है उस तीन काम में क्या है? तो बोलता है पहला काम समुद्र के पानी को मीठा पानी बनाने का था। देखो कितना ताकत था रावण के पास। बोलता हूं मेरे पास ताकत थी, मैं समर्थ था, समुद्र के पानी को मीठा पानी बनाने का मेरा उद्देश्य था और वो मेरे से होने वाला था, लेकिन आलस हो गया, कल करूंगा सोच के आज मेरी जाने की नौबत आ गई, वो काम रुक गया। और दूसरा काम सोने में सुहागा, माने सोने में सुगंधी, रावण को सोना बहुत प्यारा था। उसकी लंका भी सोने की थी, तो वो सोने में सुगंध लाने का, सोने में से सुगंध आने का करने का था उसको। अब बताओ सोने की अभी कीमत इतनी महंगी हो गई है हाई स्टेज में, अगर उसमें कहीं सुगंध आती होती तो क्या हालत होता। तो सोने में सुगंध लाने का मेरा ख्याल था, लेकिन वो भी काम, मैं तो मरने वाला नहीं, मुझे अहंकार था, मुझे कोई मारने वाला पैदा ही नहीं हुआ, कल करूंगा सोच के आज मेरी जाने की नौबत, वो काम भी रुक गया। और तीसरा काम कहते हैं कि मृत लोक से स्वर्ग को सीढ़ी लगाने का काम, अगर कोई बहादुर हिम्मत वाला होए चढ़ के भी स्वर्ग को जा सकता है। क्योंकि तीन लोक उसका राज्य था, तीन लोक में उसका राज था, देवलोक में भी उसका राज था। तो कहते भाई मृत लोक से स्वर्ग को सीढ़ी लगाने का काम, वो भी मेरे से होने वाला था, लेकिन कल करूंगा सोच के आज वो भी काम रुक गया। तो इसीलिए आप लोग अयोध्या में जाके जो काम कल करने की सोचना आज ही कर लेना, और जो आज करने की सोचना अभी कर लेना, श्वास का कोई भरोसा नहीं। इतना कह के वो चोला छोड़ के चला गया। तो वही बात कहते भाई, इस दुनिया में कोई भी काम पूरा करके नहीं गया, जो गया सो छोड़ के ही गया। और वही कबीर साहब कहते हैं, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, कहें कबीर थिर नहीं सपने जिम संसार। ये संसार एक सपना है, जो आज है कल नहीं रहना, जो कल है परसों नहीं रहना,
परिवर्तनशील संसार, और इसको सच समझ के हम रात दिन इसी के पीछे पड़े हुए हैं। तो महात्मा कहते भाई, जिस काम के लिए परमात्मा ने आपको ऐसा सुंदर समय दिया है वो काम करो, उस मालिक की भक्ति, अपने आत्मा का उद्धार वो काम करो, नहीं तो अंत समय पश्चाताप, मरने के समय पश्चाताप करके जाना पड़ता है। जब ये सारी चीजें आपका साथ छोड़ने लग जाती है, सर पीटता है, रोता है, चीखता है, कोई बस नहीं चलता है, यमदूत डंडे मार के लेके जाते हैं। तो वही कहते हैं भाई, बड़ा दुख में इसको चोला छोड़ के जाना पड़ता है। देखो मरते हुए समय में आंख से आंसू गिरते होते हैं, तड़फड़ाता है, छटपटाता है, जबान बंद होती है, क्योंकि यमदूत आते हैं, पहले जबान बंद करते हैं, फिर आत्मा को डंडे मारते हैं, चल टाइम हो गया, जबरदस्ती खींच के ले जाते हैं। बड़ा कठिन समय, उस समय जब हमारे रोम रोम से चेतन खींचा जाता है, एक एक रोम में हजारों सांप हजारों बिच्छू काटे जितना दर्द होता है। तो इसीलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि क्या चीज है जो जीव को बार बार दुनिया में लेके आती है, आशा। आशा, आशा ही उसे बार बार दुनिया में लेके आती है जी। आसे आड़े ले जीव भुलाया, घर का भूल दुख आते पाया, कर्म वेगने बाहर डाला, माया की ना बहु जंजाला। तो वही कहते हैं, आस आड़ले जीव जग आया, कर्म जाल में बहुत फंसाया। कर्म ये, अब इंसान कर्म किए बगैर दुनिया में नहीं रह सकता। काल ने कुछ अजीब ढंग से यह जाल फैलाया है। कहते हैं कि कोई भी जीव कर्म के बगैर तो इस दुनिया में रह ही नहीं सकता है, चाहे वो ऋषि मुनि होवे, चाहे पीर पैगंबर होवे, चाहे महात्मा होवे, चाहे मामूली इंसान होवे, कर्म को करना ही पड़ता है। खाना और पानी दाना तो चाहिए। कहते हैं साग सब्जी में भी आत्मा है, अनाज के अंदर भी आत्मा है। अब बगैर खाए तो हम जिंदा ही रह नहीं सकते। जीवे जीव रक्षकतम, जीवे जीव भक्षतम। काल ने कुछ ऐसा ही प्लान बना दिया कि जीव बुरी तरह से फंस जाए, एक जीव को जीव खा के ही जिंदा रहना। तो ऋषियों मुनियों ने विचार किया, भाई खाए बगैर तो कोई जिंदा नहीं रह सकता। तो उसके लिए उन्होंने विचार करके ये निकाला कि भाई अन्न आहार फल फ्रूट खा के भी मालिक की भक्ति कर सकते, वो एक तत्व है। एक तत्व का पाप लगता है, पाप तो नहीं लगता, ऐसी बात नहीं, लेकिन जो भजन सुमरण से करते जाता है, और बाकी जो और प्राणी है, मछली अंडे और पक्षी, इसमें दो और तीन तत्व हैं, भेड़ बकरी पशु में चार तत्व हैं, तत्व के अनुसार पाप ज्यादा लगता है। देखो आप रोड पे कार दौड़ाते जाते हैं, अगर आपके कार के नीचे कोई मुर्गी आ गया तो आपको कोई जेल नहीं भेजेगा, उसको 50-100 रुपया दे दिया छुट्टी मिल जाती, क्योंकि उसकी कीमत उतना ही है। आपके कार के कोई भेड़ बकरी आ गया तो 150 से काम नहीं चलते, तो 1,000-1,500-2,000 भी बांधना पड़ना पड़ता है। तत्व तो ज्यादा हो गया, कीमत बढ़ गई। अब वही कार के नीचे कोई गाय बैल घोड़ा के गिर जाए तो आपको जेल भी हो सकता है, पाप बढ़ गया, तत्व तो बढ़ गया, चार तत्व तो हो गया। आप फिर 4,000 भी देंगे तो नहीं छोड़ेंगे, जेल भी हो सकता है, या तो 10-12,000 दे के जान छुड़ाओ, 20,000 तक, जैसे घोड़े की कीमत तो 20-25,000 है, कीमत बांधनी पड़ती। और इसी तरह से अगर एक इंसान कहीं आपके कार के नीचे आ जाए
तो आप पैसा देने से नहीं छोड़ सकते, आपको जेल होगा, सजा काटनी पड़ती है, क्योंकि यह पांच तत्व का पुतला है, इससे पाप ज्यादा बढ़ गए, सजा काटनी पड़ती है और बहुत सारी कीमत भी चुकानी पड़ती है, कीमत चुका के भी सजा काटनी पड़ती है। गधे भाई, ऐसे तत्व के अनुसार पाप ज्यादा, इसलिए ऋषियों मुनियों ने सोचा फल फ्रूट और शाकाहारी खा करके अमालिक की भक्ति कर सकते हैं, उन्होंने उसको जायज ठहराए, उसमें क्या है पाप कम होता है थोड़ा। तो वही आप इशारा देते हैं किस तरह से काल ने बहुत विचित्र तरह से जाल फैला दिया कि कर्म करते ही जाता है जीव और इस जाल में उलझते जाता है और उस कर्म को भोगे बगैर छुटकारा नहीं, और इस तरह से जीव दुखी हो जाता है जी। बाल्यावस्था अति दुख पावे, वेदन भारी नित सतावे। तो वही आप कहते हैं कि जब ये जीव मानव शरीर लेके दुनिया में पैदा होता है बाल अवस्था, क्या वो सुखी है? एक बच्चा जब पैदा होता है महीना दो महीने माने छह महीने के अंदर, देखो अगर उसको कोई पेट का तकलीफ होता है, बच्चा रोता है, उसको तो पेट का या सिर का तकलीफ है, माँ बाप और कुछ करते, और बच्चा बोल भी नहीं सकता, डॉक्टर को भी पता नहीं चलता है, बीमारी एक तो दवा दूसरी देते और जिससे उनका तकलीफ और बढ़ जाता है, और वो बच्चा हमेशा हाथ पैर मारता है, रोता है, चिल्लाता है, तो कहते हैं वो अवस्था दुख में ही जाता है। और उसके आगे की भी अवस्था बताते हैं कि बाल अवस्था क्या सुख में गया नहीं, गर्भस्थान में नौ महीने उल्टा लटका रहा और नरक में बहुत तकलीफ होगा, बाहर आया तो ये हालत, बीमारी एक और दवा दूसरी, इस तरह से वो समय भी उसका दुख में ही चला जाता है जी। मुख बोले ना से न चलावे, कहो दुख अपना न जनावे, दुख में रोवे अति बिल्लावे, माता पिता बुद्धि का मुना आवे। तो ये स्वामी जी महाराज कहते हैं कि माँ बाप तरह तरह की दवाएं देते हैं, डॉक्टर के पास ले जाते हैं, उसको ठीक नहीं होता, और बच्चा हाथ पैर मारता है, रोता चिल्लाता है, उसका रोना बंद ही नहीं होता, कहते हैं वो समय भी दुख में जाता है, क्यों? कि भाई जब वो बोल ही नहीं पाता उसके बारे में क्या, पहले जमानों में वैद्य होते थे, नाड़ी देख करके ही बता देते थे आपको ये बीमारी है वो अनपढ़ होते थे, उनके पास वैदिक ज्ञान होता था, आपका हाथ पकड़ने से ही बता देते थे आपके शरीर में यही मिस्टेक है। लेकिन आज तक आजकल जो हम उनसे बोलते हैं उसकी दवा मिलती है हम जो जो कुछ बताते हैं उसकी दवा वो लिखते जाते ये हालत। तो कहते हैं कि माँ बाप की बुद्धि काम नहीं आती और बालक बोल नहीं सकता, तो इसको तकलीफ एक दवा एक होता है, उसमें और भी उसका दुख बढ़ जाता है, और रात दिन चिल्लाता है, रोता है, उसको चैन नहीं आता है। तो कहते भाई वो अवस्था भी दुख में ही जाती है जी। दुख कुछ है औषधि कुछ करे है, उलट पलट संतापे दे है, बालपनायते दुख में बीता, भाई की सारा खेल मत लेता। तो वही स्वामी जी महाराज इशारा देते हैं, उसके बाद बाल अवस्था गई, किशोर अवस्था आई,
कहते हैं पांच साल से जो दस साल के अंदर किशोर अवस्था, उस समय बच्चों को खेलने का शौक होता है, माँ बाप को पढ़ाने का ख्याल होता है, और ये इसको स्कूल भेजना चाहते हो, अपने दोस्त के साथ खेलना चाहता है, और उसके मन के विपरीत इसको जबरदस्ती मारपीट के ले जाके स्कूल में बिठाते, बच्चा समय पाके भाग जाता है खेलने के लिए, तो वहां टीचर की मार, घर में माँ बाप की मार, कहते वो भी अवस्था एक दुखदायी होती है। इस तरह से उस अवस्था में क्या किशोर अवस्था में सुख शांति होती है? कहते नहीं, क्योंकि उन्हें खेलने का शौक होता है, माँ बाप पढ़ाना चाहते हैं। आजकल की पढ़ाई तो इतनी बिजी हो गई और उनके पास किताब कॉपी इतना ज्यादा एक लोड हो जाता है, गद्दे का लोड, उनको स्कूल से आना जाना भारी पड़ता है लेके उठा के, और फिर आने के बाद ट्यूशन, उन बेचारे को क्या टीवी देखने का शौक होता है, खेलने का शौक होता है, ये ट्यूशन में भेज देते हैं, उधर स्कूल से आया कि ट्यूशन, फिर बाद में रात को सोया सवेरे स्कूल भागा, तो कहते भाई उसके उस समय भी उसके मन के विपरीत ही उसे चलना पड़ता है, तो वो भी एक उनके लिए दुखदायी समय ही होता है। तो कहते भाई किशोर अवस्था भी इसी तरह से दुख में ही जाता है जी। मात पिता चाहे पढ़वाना, ये रहने से दिन खेल दीवाना, मार पेट पेत मात घनेरी, वही दुख के भारी दे। कहते हैं कि वो भी उनके ख्याल के विपरीत होता है, तो हमेशा उन्हें मार खानी पड़ती और रात दिन पढ़ाई की तरफ ख्याल देना पड़ता है। इस तरह से उनका किशोर अवस्था भी जो है अवस्था, वो भी एक दुख में ही बीतता है जी। ये भी दिन दुख गपला तो बीते, सुख ना पाया रहे या बोरी, तरुण अवस्था आवन लागी, मन तरंग अब छिन जागी। तो वही अब जो बाल अवस्था के बाद में जो पांच साल से कहते हैं कि किशोर अवस्था गया दस साल के अंदर, फिर वहां से जो पंद्रह बीस साल का उनका बाल अवस्था वो भी गया, अब जवानी आ गई। कहते हैं जो पंद्रह साल के ऊपर वो जवानी के अंदर ही गिनती आती है, तो इनके अंदर तरह तरह के ख्यालात बदलने लग जाते हैं, और ख्याल बदलते हुए देख करके माँ बाप शादी करने के सोचने लग जाते। हमारे महाराज जी एक कहानी बताया करते थे, एक तीन दोस्त लोग मिल करके शाम को घूमने के लिए निकले, घूमते घूमते गांव के बाहर गए, वहां एक गणपति का मंदिर था, बड़ा अच्छा गणपति की बड़ी भारी मूर्ति थी, उसको रोज पंडित स्नान कराया करते थे, तो गणपति की मूर्ति काफी बड़ी होने से उसका नाभि स्थान भी बहुत गहरा था। तो एक दोस्त ने क्या किया, बाकी लोग बाहर घूम रहे थे, एक दोस्त अंदर गया, बड़ा ठंडा लगा क्योंकि पत्थर का बना था, और उसने गणपति के पेट पे हाथ घुमाया तो और भी ठंडा लगा, क्योंकि रोज स्नान कराया जाता था, पत्थर ठंडा ही होता है, तो सोचा अरे बाहर इतना ठंडा है तो अंदर कितना ठंडा होगा। उसने गणपति के जो है कि नाभि में हाथ डाला, वो गहरा था, हाथ डालते उधर बिच्छू बैठा था ठंडी से, बिच्छू ने डंक मारा। ये
अरे मैं बिच्छू मारा बोले तो ये दोनों हंसेंगे, वो बाहर घूम रहे हैं, उनको भी बिच्छू कटाने का। वो बाहर गया, जाके बोलता अरे क्या इधर देखते, इधर अंदर आओ देखो। एक को बुला के लेके गया, एक कहीं गया था, एक को बुला के लेके गया, बोलता देखो कितना ठंडा है। बोले हाँ बहुत ठंडा अंदर। अरे उसमें देख पेट पे हाथ घुमा के, पेट पे हाथ घुमाया तो उसको और भी ठंडा लगा, बोलता उससे भी ठंडा अंदर है नाभि स्थान में। तो उसने हाथ डाला, उसको बिच्छू ने प्रसाद दिया। बोलता अरे बिच्छू काटा है, चुप हमको भी काटा है, अभी ऐसा बोले तो तीसरा जो हंसेगा उसको बिच्छू कटाना। गए और तीसरा जब आते उसको भी बुला के लेके गए, अरे आओ देखो कितना ठंडा है मंदिर में। वो भी गया, बोलता हाँ सचमुच पत्थर का बना वो मंदिर। वो बोलते है देख पेट पे हाथ घुमा के और भी ठंडा है। वो भी घुमाता है, बहुत ठंडा लगा, बोलते है अंदर और भी ठंडा है। तो जैसे उसने उंगली अंदर डाला उसको भी बिच्छू ने प्रसाद दिया। बोलता अरे बिच्छू मारा, बोलते अरे भाई हमको भी बिच्छू मारा है। तो बोले तुम लोग पहले क्यों नहीं बोला, अगर हम पहले बोलते तो तू हंसता था, हमारी मजाक उड़ाता था, अब तीनों बराबर हो गए। तो कहते हैं महात्मा, कहते हैं कि ऐसे ही दुनियादार लोग, आपको तो बिच्छू काटा है। संसार में आप दुखी हैं, देखते हैं संसार में कितना दुख है, लेकिन सोचते हैं कहीं भाग नहीं जाए, इसको